अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जग्गू जग्गू शायद राधिका को ढूंढ रहा है। लीजिए, आ गई नई देवरानी। पापा जी ने हमें आशीर्वाद दिया। ये तो भोलेनाथ की कृपा हो गई। तुम दोनों को एक साथ देखकर शग्गू ने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया है। आपने तो चमत्कार ही कर दिया। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। चाहते तो हम भी कि मुन्ना के पापा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं रानी और दिव्यम की शादी हो जाए और ये गोलमुखी घर से बाहर चली जाए। औरतें आने से घर में कितनी रौनक हो गई। त्योहार की रौनक का मजा तो इन सबसे है। ये सब यहीं पे रह के पूजा करेंगे आज। नंदा, आज हम अपनी बहू को अपने हाथों से मेहंदी लगाएंगे। हाथ दो। आप ना हमारे हाथ पे मेहंदी से गोलू जी लिख दीजिए। उसका नाम गोलू नहीं है, गौतम है। गौतम क्या?
क्या हुआ सास जी? हम तो उन्हें प्यार से गोलू जी बुलाते हैं, तो हम तो गोलू जी लिखवाएंगे। लिखिए लिखिए। सारी सारी काली बिटिया, गलती से हाथ लग गया। लगता है खुद भोलेनाथ जी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ में मेरे गोलू के नाम की मेहंदी लगे। क्यों काली बिटिया, सही कहा ना मैंने? सास जी, हमें भोलेनाथ की नियत का तो पता नहीं, पर हमें आपकी नियत पे पूरा शक था, इसलिए हमने पहले ही गोलू जी का नाम अपने हाथ पे टट्टू वाली मेहंदी से लिखवा लिया था। ये देखिए, हाय कली, देखो सुंदर लग रही है ना बेटा? जब ये मेहंदी सूख जाए ना, तो याद से किचन में जा करके इस पर नींबू शक्कर का घोल लगा लेना। यहाँ पर क्या कर रही हो? मुन्ना के पापा यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, मोहल्ले की औरतों के सामने हमारी नाक मत कटवाओ। और हाँ, इस मेहंदी की थाल की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह सुजाता, तुम्हारे ख्याल तो बहुत बड़े हैं। दिव्यम की पहली पत्नी को भी बुला लिया? नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मुन्ना के पापा का हालचाल पूछने आई है। अरे राधिका दीदी, देखिए ना कितनी प्यारी मेहंदी है। अरे वाह सुजाता, वो देखो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे बेटे के दिल से अभी भी पहले पत्नी का बुखार उतरा नहीं है। देखो, जितने ध्यान से पेपर साइन किए थे ना तुमने, उतना ध्यान से अगर चलोगी तो ऐसे गिरोगी नहीं। भाभी आप क्या मजाक क्या कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस गिरने वाली थी तो हमारे बच्चे ने उसे संभाल लिया है। असल में तो हमारे मुन्ना का प्यार और ध्यान तो हमारी बहू रानी के लिए है। एक मिनट, रानी बेटा इधर आओ। देखिए भाभी, हमारी बहू रानी के हाथ में दिव्यम के नाम की मेहंदी।
हाथ की मेहंदी कैसे मिट गई? अरे नहीं देवरानी जी, आपके हाथ की मेहंदी तो ये पिलर पे और ये झूले पे ही लग गई, देखिए। राधिका, जो भी सब्जी लेनी है जल्दी से लो, बारिश का मौसम है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली है, प्लीज। जी देवियम जी। ये क्या भैया, पालक में तो कीड़े लगे हुए हैं। अरे मैडम जी, मौसम ऐसा है, ऐसे मौसम में ऐसी सब्जी मिलेगी, ऊपर ऊपर कीड़े, अंदर सब सही है, ले जाओ। नहीं भैया, हम ऐसी सब्जी नहीं ले सकते, ये तो हमें पापा जी को खिलानी है, इनकी सेहत के साथ हम ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम कहीं और देख लेते हैं। दिव्यम जी, हम ना वहां जाके सब्जियां लेकर आते हैं, वहां की सब्जी ताजी लग रही है। दिव्यम जी, आप मम्मी जी ने कहा था कि प्याज और टमाटर लेने के लिए, मैं वो ले लेती हूँ। क्यों दीदी? जी ठीक है, हम आते हैं। दिव्यम जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर्स लाना भूल गई, आप यहीं रुकेंगे प्लीज? ठीक है। राधिका कहाँ चली गई? दिव्यम जी, छतरी के नीचे आ जाइए, बहुत बारिश हो रही है। रानी, ये क्या कर रही हो तुम? बार बार छाता क्यों बीच में ला रही हो? अरे इतनी बारिश है, आप भीग जाओगे। नहीं चाहिए रानी मुझे छाता। इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। दिव्यम जी, छतरी के नीचे आ जाइए, भीग जाएंगे। रानी एक काम करो, ये पकड़ो। अरे पकड़ो, तुम्हारे पास छाता है ना, तो इसे गाड़ी में रख दो, वरना ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी इस बारिश के पानी में। देख क्या रही हो रानी, जाओ। तुम खड़ी क्या हो, चलो। दिव्यम जी, जल्दी चलिए, दादी इंतजार कर रही होंगी।
हाँ रानी, एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ। मैं और राधिका दोनों ही भीगे हुए हैं, ऐसा ना हो आगे और पीछे दोनों ही सीट्स भीग जाएं। तुम पीछे बैठो। एक सेकंड, मैं खोलता हूँ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।